हे एवरीवन, वेलकम टू डिस्कवर स्टडी विद प्रीति बोरा। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का इस कंपैरेटिव पॉलिटिक्स यानी कि तुलनात्मक राजनीति की पूरी प्लेलिस्ट में। एंड ये हमारा फोर्थ लेक्चर है। इससे पहले हमने अप्रोचेस कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ, अप्रोचेस यानी कि उपागम हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो तुलनात्मक राजनीति में हम किस तरीके से कंपेयर करते हैं, हमारा देखने का नज़रिया या फिर परिप्रेक्ष्य या फिर क्या हमारी अप्रोच होती है किसी भी कंपैरिजन का। एंड उसमें हमने देखा था कि ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोचेस, पारंपरिक यानी और आधुनिक, दो तरीके का हमारा परिप्रेक्ष्य होता है, जिसमें हमने ट्रेडिशनल अप्रोचेस कर लिया है। एंड मॉडर्न में हमने बिहेवियरल व्यवहारवाद, ठीक है, उसके बाद हमने सिस्टम अप्रोच कर लिया। और आज हम करने जा रहे हैं गैब्रियल आलमंड की स्ट्रक्चरल फंक्शनल यानी कि संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट भी, और अब मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी, ये सारे टॉपिक मैं आपको कवर कराने वाली हूँ कि भाई होता क्या है ये आपका स्ट्रक्चर फंक्शनल अप्रोच, सिस्टम क्या किस तरीके से डिफाइन किया उन्होंने, उसमें क्या कमियाँ थी। ठीक है, ऑब्वियसली आपको पता है कि सिस्टम में कुछ कमियाँ होंगी तभी तो हमारा स्ट्रक्चर फंक्शनल आया है। तो गैब्रियल आलमंड का कहना क्या है, गैब्रियल आलमंड का जो आपको पता है गैब्रियल आलमंड एंड वर्बा का जो द सिविक कल्चर है, तो ये जो सिविक कल्चर है हमारे पास उसका क्या कुछ प्रभाव पड़ा है इस पूरी अप्रोच में कि क्या है, किस तरीके से है। फिर है कि इस विशेषताएं क्या होती है संरचनात्मक ढांचे की, फिर लेवल ऑफ फंक्शन क्या है, और उसके लास्ट में कि उसका आपका आलोचना यानी कि क्रिटिसिज्म क्या आता है। क्योंकि हर एक अप्रोच का अगर चाहे कुछ भी हो, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों आपके रूप होते हैं, तो हम दोनों चीज़ें करने वाले हैं। इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, जस्ट आपको एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो। आज थोड़ा वीडियो लेट हो गया हो जाएगा क्योंकि थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, बट डोंट वरी, ये आपके सीरीज़ आपके लिए कंटिन्यू रहेगी। लेकिन आप सबको भी मेरा साथ देना है, लाइक करा करो, शेयर करो यार चैनल को, हर सबके साथ शेयर करो, ठीक है। उसके साथ साथ अभी आपको पता ही है कि 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू की प्लेलिस्ट है, वन लाइनर की रिवीजन की प्लेलिस्ट है, तो वो तो पूरा पूरा कर लो। अच्छा, अब आते हैं कमेंट ऑफ द डे में। कमेंट ऑफ द डे में कि प्यारा सा कमेंट है शिव के द्वारा। तो मैंने पूछा था कि बिहेवियरिज्म में जो पूरे आठ, मैंने उनको बताया, पूछा था कि इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन स्टोन्स किसको कहा है वो बताइए, तो ये पूरी अच्छी सी ट्रिक के साथ बता रखा है। एंड थैंक यू सो मच इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखने के लिए। बट हाँ, मुझे एक चूज़ करना पड़ता है कि बहुत अच्छा कमेंट तो ये आज का अच्छा था, ठीक है। अब आप लोगों के लिए भी ये होगा कि आप कमेंट करते जाइए, आपका भी कमेंट कभी ना कभी फीचर हो जाएगा। तो ये बिहेवियर कर चुका है, ये कर चुका है, ये आज हम करेंगे, बाकी चीज़ें हम कल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, मैं आप सबसे सवाल पूछना चाहूँगी कि क्या इस तरह सिंगल सिस्टम फॉर एवरी प्रोसेस। अच्छा, हमें पता है कि क्या हर प्रक्रिया के लिए क्या एक ही प्रणाली होती है, जैसा कि सिस्टम अप्रोच ने कहा था। सिस्टम अप्रोच ने क्या कहा था, डेविड एस्टन के द्वारा दी गई थी, कल हमने बात कही थी सिस्टम अप्रोच की, और मैंने आई कार्ड में लिंक डाल दिया, उधर आप देख लीजिएगा। सिस्टम में मैंने आपको बिल्कुल बोल रखा था कि डेविड एस्टन ने कहा था कि आपका एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है जिसमें इन्वायरमेंट से कुछ इनपुट आता है, इनपुट में आपकी डिमांड्स आती है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा एक ब्लैक बॉक्स है, ठीक है। ब्लैक बॉक्स किस लिए, क्योंकि गवर्नमेंट उस डिमांड को किस तरीके से देख रही है, कैसे विश्लेषण कर रही है, क्या एक्शन लेने का सोच रही है या नहीं सोच रही, वो आपका गवर्नमेंट में डिपेंड करता है। और वैसे भी उन्होंने क्या बोला था कि अथॉरिटी की पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक जो व्यवस्था है वो बाकी व्यवस्था से अलग होती है। कैसे, क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम में अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यू है, यानी कि आपका जो वैल्यूज़ होती है, रिसोर्सेस हो गया, जॉब हो गया, आपका जितनी भी सुख सुविधाएं एक गवर्नमेंट आपको राइट्स हो गया दे सकती है, वो सारी चीज़ें हैं, वो किस बेसिस पे आपका आवंटन करेगी। और अथॉरिटी है यानी कि क्या है कि जैसे गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा है वैसे आपको फॉलो करना है। अगर नहीं होगा, आपका प्रॉपर चैनल मिसिंग होगा, तो कहीं ना कहीं आपका क्या होगा, कहीं ना कहीं उनकी जो फोर्स है, कमांड है, आपको माननी पड़ेगी, अदरवाइज कुछ पनिशमेंट होगी या फिर कुछ भी उसका सोल्यूशन होगा। तो ये जो किस तरीके से कौन सी डिमांड ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं वो क्या होता है, वो आपके सामने नहीं होता। जैसे गवर्नमेंट, अगर आपने डिमांड की, गवर्नमेंट उस पर डिस्कशन कर रही है, उस पर कमेटी बैठ रही है, उस पर एक्सपर्ट कमेटी बैठ रही है, ये आपको तो नहीं बताते ना। आपके पास क्या आते हैं, आपके पास सीधे आउटपुट आते हैं, डिसीजंस वगैरह इन सब की फॉर्म में, एंड देन उस आउटपुट पे आपकी एक प्रतिक्रिया होती है, फीडबैक होता है। अगर अच्छा लगा तो सपोर्ट दोगे, नहीं अच्छा लगा तो सरकार चेंज करोगे अगली बार, कुछ ना किसी कोई ना कोई प्रतिक्रिया यानी कि फीडबैक तो जरूर दोगे। एंड ये जो फीडबैक की स्टडी होती है इसको क्या बोलते हैं, साइबरनेटिक्स। और इसके बहुत बड़े एक जो प्रतिपादक हैं वो कौन है, कार्ल डूश, ठीक है। अब ये तो ठीक है, ये आपका डेविड एस्टन ने ये चीज़ बोल रखी थी और कल मैंने आपको बताई थी। अब इसमें ना कुछ कमियाँ हैं, कमियाँ ये हैं कि गैब्रियल आलमंड ने पूछा, इसमें बोला कि ठीक है मैं मान लेता हूँ कि सिस्टम के द्वारा आपका पूरा पॉलिटिकल सिस्टम वर्क करता है, लेकिन मेरा क्वेश्चन सिंपल सा है, क्या एक सिंगल सिस्टम होता है, क्या हर प्रोसेस के लिए
सारी प्रोसेस के लिए एक ही सिस्टम रहेगा? अगर हाँ ऐसा है तो सबसे बड़ा एग्जांपल जो मैं हमेशा देती हूँ और बहुत ही इजीली समझ में आ जाता है, जैसे आप हो, सपोज मैं एक गांव में जा रही हूँ, मेरे उधर क्या हो रहा है, उधर पंचायत अपना पूरा चला रही है, ठीक है, पंचायत अपने तरीके से काम कर रही है, जो पूरी पंचायत है वो सारे इशू देख रही है, पानी, बिजली, एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट, ठीक है, हर कुछ वो एक ही पंचायत देख रही है। लेकिन फिर क्या होता है, फिर हम स्टेट लेवल पे जाते हैं तो थोड़ा चेंज हो जाता है, हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, लेकिन स्टेट का भी दायरा क्या है, स्टेट का भी जो दायरा है वो सीमित है, वो किसी ना किसी मामले में वो सेंटर पे डिपेंडेंट रहती है। देन आप जब सेंटर में जाते हो तो वहाँ प्रक्रिया एकदम चेंज हो जाती है, क्यों, क्योंकि अलग अलग आपके चीज़ों के लिए अलग अलग मिनिस्ट्री तो है, साथ में क्या है, आप बिल्कुल अपना अपने हिसाब से डिसीजन ले पाओगे। देन अगर मैं इंटरनेशनल रिलेशन की बात करूँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करूँ, वहाँ पर अलग चीज़ है, ठीक है, तो ये सारे इतना चेंज क्यों आ रहे हैं? अगर एक ही सिस्टम चल रहा है तो इतना सारा चेंज क्यों आ रहा है? प्रोसेस तो सारा सेम कर रहे हैं कि सारे क्या कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं, सारे सरकार चला रहे हैं, लेकिन अलग अलग लेवल पे इतना चेंज क्यों आ रहा है? इससे एक चीज पता चल जाती है कि सारी प्रोसेस के लिए एक सिंगल सिस्टम नहीं हो सकता। ये गैब्रियल आलमंड कहते हैं। अब आलमंड और क्या कहते हैं, आलमंड ये पूछते हैं कि व्हाट स्ट्रक्चर फुलफिल व्हाट बेसिक फंक्शन अंडर व्हाट कंडीशन इन अ गिवन सोसाइटी। किसी दिए गए समाज में आलमंड बोलते हैं कौन सी संरचनाएं किन बुनियादी कार्यों को पूरा करती है और किन परिस्थिति में करती है, यानी कि इनके हिसाब से हर एक सोसाइटी में जो आपका स्ट्रक्चर है वो कुछ ना कुछ बुनियादी कार्य करते हैं और हर स्ट्रक्चर अपने हिसाब से फंक्शन करता है। सपोज अगर मैंने आपको ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, यूट्यूब के जरिए, तो यूट्यूब के माध्यम में हम किसी और तरीके से पढ़ रहे हैं कि आप कमेंट कर सकते हो। सेम क्लास अगर मैं गूगल मीट में ले रही होती तो आप अपनी वीडियो ऑन करके मुझसे आंसर पूछ सकते। अगर सेम क्लास में किसी क्लासरूम में आपके साथ ले रही होती तो हम क्या कर रहे होते, हम आपस में, मतलब बीच में हम लोग इंटरेक्ट कर रहे होते फिजिकली, ठीक है, आप मुझसे बोल सकते मैम रुक जाओ मुझे ये पढ़ा दो, मैम मैं पानी पीने जाऊँ, ऐसा इंटरेक्शन भी हो जाता, ठीक है ना। तो क्या है कि हर एक स्ट्रक्चर अलग है, हमारा हर एक प्लेटफॉर्म अलग है, इसलिए हर एक का जो फंक्शन है वो भी अलग है, और फंक्शन कैसे अलग है, अलग अलग कंडीशन में अलग है, ठीक है, यही बोलते हैं। ये बोलते हैं कि यार देखो मेरा क्वेश्चन ये है कि कौन सा स्ट्रक्चर किन परिस्थितियों में क्या फंक्शन करता है एक समाज में, इसका मतलब हर एक स्ट्रक्चर अपना अलग काम करते हैं, तभी इन्होंने बोला स्ट्रक्चरल फंक्शनल, हर एक संरचना की अपनी एक प्रक्रिया होती है, यानी कि एक सिंपल प्रक्रिया, एक सा बहुत सारी प्रक्रिया की एक संरचना नहीं होती, बल्कि हर एक संरचना की अपनी अपनी प्रक्रिया होती है, लेकिन हाँ हर एक संरचना एक सिस्टम में चलती है, ये जरूर ये मानते हैं। अब ये बोलते हैं कि जो सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम क्या है, इज एन इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट, इंक्लूसिव यानी कि एक समावेशी अवधारणा है, यानी कि सिस्टम अपने अंदर सारी चीज़ें कवर करता है, कि जैसे लोग भी ले लिए जो डिमांड कर रहे हैं, प्रोसेस जैसे हो रही है वो भी ले लिया, आउटपुट जैसे हो रहा है वो भी ले लिया, फिर फीडबैक भी ले लिया, सब चीज़ों को इंक्लूड करता है, किसी को बाहर छोड़ता नहीं है, ठीक है, विच कवर्स ऑल ऑफ द पैटर्न एक्शन, कि जितने एक्शन दिख रहे हैं वो सारे इसमें इंक्लूड हो जाएंगे जो कि पॉलिटिकल डिसीजन यानी कि राजनीतिक निर्णय में लेने में ज़रूरी है, ऐसा आपके गैब्रियल आलमंड ज़रूर बोलते हैं। लेकिन राजनीतिक निर्णय हर एक स्ट्रक्चर का अलग तरीके से होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप समझ लो निर्णय लेना है, अगर मुझे एक प्रोफेसर को हायर करना है तो मैं अलग तरीके से निर्णय लूँगी, वहीं मुझे एक नेता को पोस्ट दिलानी है तो अलग तरीके से, वहीं मुझे एक ब्यूरोक्रेट को हायर करना, मतलब वो IAS IPS का जो इंटरव्यू होंगे वो अलग होंगे, ठीक है ना, ग्रुप ए ग्रुप बी ग्रुप सी ग्रुप डी सबके इंटरव्यू वगैरह अलग तरीके से होंगे, यानी कि हर एक जैसे स्ट्रक्चर अलग है वैसे उनके काम अलग है। अब ये है गैब्रियल आलमंड, इन्होंने फिर एक और क्वेश्चन बोला, क्योंकि कल जब मैंने आपको स्ट्रक्चर सिस्टम अप्रोच पढ़ाई थी तो मैंने उसमें बिल्कुल क्लियरली आपको लिख के बोला था कि सिस्टम अप्रोच में एक गड़बड़ है कि वो ना एथनोग्राफिक है, वेस्टर्न वर्ल्ड से संबंधित है, और उसमें कहीं ना आपका ना स्टेटस कोइस्ट है, जो नई चेंजेस आए ना उनको ध्यान में नहीं रखा गया। तो इनकी बुक आई थी पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरिया, ठीक है, ये बुक आई थी, तो इसमें इन्होंने बोला था कि जो डेवलपिंग एरियाज हैं आपके, ठीक है, ये जो डेवलपिंग एरियाज है, जो नया, क्योंकि आपको पता है 1959 की बुक है, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो क्या होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद डीकोलोनाइजेशन, तो कहते हैं डीकोलोनाइजेशन के बाद जो चेंजेस आए, जो परिवर्तन आए, उन सब परिवर्तन के हिसाब से आपने क्यों नहीं थ्योरी दी, तो ये सब थ्योरी आपने सेम सिस्टम कैसे दे दिया। अब एक बात बताओ, वेस्टर्न सिस्टम और अभी जो नई नई जो कंट्रीज हैं एशिया की और अफ्रीका की, जो आपकी डी कॉलोनी जो अभी स्वतंत्र हुई है, उनका सिस्टम क्या सेम है? नहीं है। फिर इन्होंने बोला
एक और बुक आई कंपेरेटिव पॉलिटिक्स अ डेवलपमेंटल अप्रोच. तो ये जो डेवलपमेंट हो रही है, जो नई डेवलपमेंट हो रही है, इसको तो आपने सिस्टम अप्रोच में ध्यान में नहीं रखा. तो इन्होंने बोला स्ट्रक्चर फंक्शन में हम इस पर भी फोकस करेंगे 1966 में. ठीक है, इसमें इन्होंने क्या बात की, डेवलपिंग एरियाज की बात की किस तरीके से है. देन आपको पता है और भी जो लोग हैं उन्होंने स्ट्रक्चर फंक्शनल को सपोर्ट किया, रेडक्लिफ, ब्राउन, मिलियंस की, रॉबर्ट मर्टन, डेविड ईस्टन. कहीं ना कहीं इन लोगों से इंस्पायर्ड होके, इन लोगों से प्रेरित होके इन्होंने क्या बोला, सिस्टम का जो है उससे इंस्पायर होके स्ट्रक्चर फंक्शनल अप्रोच बनाई. आप पहले इनका देख लेते हैं कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक विशेषता क्या बताई इन्होंने एक आपके राजनीतिक सिस्टम की, फिर हम इनका पूरा डायग्राम देखेंगे. ठीक है, ये जो पूरा डायग्राम आता है ना ये देखेंगे. तो फटाफट से पहले कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं. तो आलमंड ने सीधा सीधा बोला कि ऑल पॉलिटिकल सिस्टम, हर एक राजनीतिक सिस्टम में आपका क्या है, स्ट्रक्चर्स होता है कोई ना कोई. यानी कि हर एक तरीका होता है कि किस तरीके से आपका काम करना है, और जैसा स्ट्रक्चर होगा वैसा आपका काम होगा. जैसे कि एक ब्यूरोक्रेट अपना काम अलग से करेगा, लेजिस्लेचर अलग से करेगा, कार्यपालिका न्यायपालिका अलग से काम करेगी. सबके अपने अपने काम है ना, अपना स्ट्रक्चर है, अपना काम है. तो इन्होंने बोला कि जो सेम पॉलिटिकल फंक्शन है, कि एक सेम आपका पॉलिटिकल जो काम है वो हर एक पॉलिटिकल सिस्टम में देखने को मिलता है. जैसे कि आपका पंचायत भी आपका शासन का एक प्रणाली है, स्टेट गवर्नमेंट भी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी. सारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, सारे आपकी राजनीतिक संरचनाएं आपकी मल्टी फंक्शनल है. यानी कि सारे राजनीतिक संरचनाएं बहुक्रियाशील है. बहुक्रियाशील यानी कि एक स्ट्रक्चर जरूरी नहीं कि एक ही काम करे, वो बहुत मल्टीपल काम करती है. ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ एक ही काम करेगी, एक तरीके से नहीं करेगी, नहीं, मल्टीपल है. ऑल पॉलिटिकल सिस्टम आर मिक्स्ड इन कल्चरल सेंस. ठीक है, कल्चरल सेंस में क्या है, ये मिक्स्ड है. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक ही तरीके से काम चलेगा. बिकॉज क्या होता है कि अलग अलग तरीके के लोग उधर आके काम कर रहे हैं. जैसे कि अलग अलग रिलीजन से, अलग अलग रीजन से, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले, अलग अलग एजुकेशन बैकग्राउंड से, अलग अलग स्किल के लोग. ठीक है, अलग अलग जगह के लोग, इस तरीके से अलग अलग लोग आपके आके काम कर रहे हैं वहाँ पे. ठीक है, तो उनका जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इसलिए हर एक सिस्टम अलग होता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि किस तरीके का डाइवर्सिटी यानी कि विविधता है, वो हर जगह वेरी करता रहता है. देन आलमंड ने बोला कि मैं डिवाइड करता हूँ पॉलिटिकल सिस्टम को प्रिमिटिव में, प्रिमिटिव यानी कि आदिम एकदम पुराना वाला, ट्रेडिशनल में, फिर आपका क्या है, ट्रेडिशनल पारंपरिक जहाँ पे थोड़ा पुराने तरीके से काम होता था जैसे राजा प्रजा वगैरह वाला सिस्टम, फिर ट्रांजिशनल. कि ट्रांजिशनल क्या होता है कि हाँ थोड़ा थोड़ा मॉडर्निटी आई, थोड़ा थोड़ा अपने लोगों को अपने राइट्स देने शुरू करे, देन आपका क्या हो गया, मॉडर्न सिस्टम. फिर आलमंड ने क्या बोला, आलमंड ने बोला कि जो पॉलिटिकल कल्चर है उसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है. अगैन हमने कल जब सिस्टम अप्रोच करी थी तो मैंने आपको बात कर रहा था कि सिस्टम अप्रोच हमेशा एक चीज़ कहती है, दुनिया को इंस्टीट्यूशन यानी कि सिस्टम के नज़रिए से देखती है. लेकिन सिस्टम को जो अडॉप्ट कर रहा है, उनको यूज़ कर रहा है, सिस्टम को जो ओबे कर रहा है, लोगों का कल्चर, लोगों का बिलीफ, लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, वो तो इन्होंने ध्यान में नहीं रखा. बट आपका आलमंड एंड वर्मा ने तो रखा है. द सिविक कल्चर आपकी बुक आई थी 1963 में, उसमें उन्होंने क्या बोला था कि तीन तरीके के आपके आपका सिस्टम मतलब कल्चर होता है. पैरोकियल का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल एकदम ऐसे लोग हैं जहाँ पे ना तो उनको राजनीति की कुछ समझ है और ना ही वो भागीदारी करते हैं. ठीक है, दूसरा आपका सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट समझ सब कुछ है लेकिन ज़्यादा उनके पास इतनी पावर्स नहीं होती कि ज़्यादा वो डिसीजन ले सकें. ठीक है, तीसरा आपका क्या हो गया, पार्टिसिपेटिव. पार्टिसिपेटिव में क्या है कि पूरी पूरी जानकारी भी है और पूरा पूरा पार्टिसिपेशन भी करते हैं, इधर 0%, इधर 50%, इधर 100%. तो इन्होंने बोला कि जो आपका क्या है कि सेम काम हो रहा है, आपका पैरोकियल, सब्जेक्टिव और पार्टिसिपेटिव तीनों गवर्नमेंट में क्या है, सब में सरकार चल रही है लेकिन देखो तरीका कितना वेरी कर रहा है. ठीक है, देन इन्होंने बोला स्ट्रक्चर आपके बहुत डिफरेंशिएटेड होते हैं अगर आप एकदम हायर लेवल स्टेजेस ऑफ ग्रोथ में चुप पड़ोगे. जैसे कि फॉर एग्जांपल ये देखो, ये इमेज देखो, अगर मैं किसी गांव में जाऊँ या मैं एक नगर में जाऊँ, टाउन में जाऊँ, या फिर टीयर 3 सिटी, टीयर 2 सिटी और टीयर 1 सिटी और एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन सिटी में जाऊँ. देखो यहाँ पे हर एक चीज़ के लिए प्रॉपर बिल्डिंग्स हैं, पार्क्स हैं, गाड़ियाँ हैं, इतना सारा हाईली डेवलप है. यानी कि जितना ज़्यादा आप हायर स्टेज में जाओगे उतना ज़्यादा आपकी विभेदताएँ बढ़ेंगी. ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन बढ़ेगा. जैसे हमने बात की थी पंचायत में, वही पंचायत वही पंच आपके सारे काम कर रहे हैं लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में हर एक चीज़ के लिए अलग अलग मिनिस्ट्री है. ठीक है, ये बात की इन्होंने बोला कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना वो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि एक इंट्रैक्शन है आपका, जो इंडिपेंडेंट सोसाइटी में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना, जितने अलग अलग वो हैं,
वो आपस में किस तरीके से आपका तालमेल कर रहे हैं, किस तरीके से वो इंटीग्रेट हो रहे हैं, ठीक है, आपका एकीकरण हो रहा है, किस तरीके से आपका अडाप्ट कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट किस तरीके से हो रहा है, और इसके परिणाम स्वरूप क्या सोसाइटी में चेंज आ रहा है वो भी डिफाइन करता है। यानी कि जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है, कहीं ना कहीं वो जो चेंज है ना, इसको वो मान्यता देते हैं, और ये भी मान्यता देते हैं कि हर एक स्ट्रक्चर का अपना अपना चेंज के हिसाब से अपने अपने कार्य प्रक्रिया होती है। देन इन्होंने बोला कि जो जो पॉलिटिकल कल्चर है वो है डुअलिस्टिक है, वो मोनिस्टिक नहीं है। मोनिस्टिक यानी कि एक एक अद्वैतवादी, यानी कि सिर्फ एक काम नहीं करता, उसके मल्टीपल काम है, और इसलिए इन्होंने अपनी थ्योरी को प्रोबेबिलिस्टिक थ्योरी बोला। प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि जैसे एक सिक्का उछाला, आप बोलोगे कि हेड आएगा या टेल, हमें तो पता नहीं ना, कुछ भी आ सकता है। उसी तरीके से एक जो सिस्टम है उसमें चेंजेस हो रहे हैं स्ट्रक्चर में, जो भी जिस तरीके से चेंज होगा वैसा फंक्शन बन जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको पता है कि ये क्या करेगा। हाँ, हमें ये निर्धारित होता है, ये सिस्टम हमने समझ लो एक एजुकेशन का सिस्टम है, एजुकेशन के लिए बना रखा था, अब एजुकेशन में तो बहुत चेंज आ सकता है, पहले एजुकेशन एकदम अलग थी, अब एकदम अलग हो गई, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है, इन्होंने ये अपने जो गैब्रियल आलमंड है ना, वो इनपुट फंक्शन और आउटपुट फंक्शन जो शब्द है पर्टिकुलर, उस पर इतना ध्यान नहीं देते, ये बात करते हैं आपका। देखो ये बोलते हैं इन्वायरमेंट से हमारी कुछ ये आई इनपुट्स, ठीक है, इन शब्द पे पर्टिकुलरली फंक्शन नहीं करते। ये आपका हो गया पॉलिटिकल सिस्टम, जो कि क्या करता है, जो एनालाइज करता है कि कौन सी डिमांड सही है, कौन सी डिमांड गलत है। क्यों सही गलत देखना पड़ता है इसको, क्योंकि आपको पता है लिमिटेड रिसोर्सेस है, लिमिटेड वैल्यू है, लिमिटेड पैसा है गवर्नमेंट के पास सबकी इच्छाएं पूरे करने का, और आपके पास लोग बहुत ज़्यादा है, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो डिमांड भी बहुत तरीके की आती है। देन क्या करते हैं, वो डिसीजन लेते हैं। अब इस डायग्राम को मैं बहुत अच्छे से समझाती हूँ। इसका जो ये इनपुट फंक्शन है ना, इसकी क्रोनोलॉजी आपसे पूछी जाती है, ठीक है। इसकी क्रोनोलॉजी यानी कि इसका जो क्रम है ना, वो एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुका है, एग्ज़ाम में, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है। तो इनपुट में आप क्या करते हो, सबसे पहले अगर समझ लो मैं हूँ, अगर आप लोगों को अगर पता ही नहीं होता नेट जीआरएफ का पेपर हो रहा है, तो आप कैसे एग्ज़ाम देने आते, बिल्कुल नहीं आ पाते, आप बिल्कुल, आपके लिए इम्पॉसिबल होता है एग्ज़ाम देना। लेकिन अगर आपको पता है कि ठीक है, हाँ नेट जीआरएफ का एग्ज़ाम होता है, ऐसे ऐसे तैयारी होती है, इस तरीके से नेट कर लोगे तो आजीवन आपका असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के एलिजिबल हो, और जीआरएफ की वैलिडिटी 3 साल की होती है, इस तरीके से आपको पता है, तभी तो आप दे पा रहे हो ना, तभी आपको अवेयरनेस है कि अच्छा क्या पढ़ना है, एमए करी है तभी आपने। तो क्या करते हैं, इसी तरीके से पॉलिटिक्स में भी क्या है, सबसे पहला स्टेप होता है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट, यानी कि राजनीतिक समाजीकरण और भर्ती। यानी कि सबसे पहले मैं, अब कोई बच्चा है समझ लो, उसको फ्रेंड से, फैमिली से, यानी कि इंस्टीट्यूशन से, नेबरहुड आसपास से पता चला अच्छा इस तरीके से पॉलिटिक्स होती है हमारे देश में, सेंटर में ये वाली पार्टी है, स्टेट में ये वाली पार्टी है, फिर धीरे धीरे वो पढ़ते जाएगा, धीरे धीरे उसे समझ में आएगी। हो भी सकता है कि वो उसे पार्टिसिपेट करना हो, उसे जुड़ना हो किसी संस्था से, किसी, अब उसे मतलब इलेक्शन में खड़े होना हो या कुछ भी हो, तो वो रिक्रूटमेंट होगा। फिर देन क्या होता है कि चलो ठीक है, पहले लेवल पर ये कि चलो लोगों तक पहुँचाए कि ठीक है आप लोगों की डिमांड्स क्या, ताकि लोग आए सामने, ठीक है, ये पहला लेवल। दूसरा क्या होता है, इंटरेस्ट एग्रीगेशन। इंटरेस्ट एग्रीगेशन का मतलब होता है इंटरेस्ट को, यानी कि हित को एकीकरण, आपका इकट्ठा करना। अब आप क्या करोगे, इंटरेस्ट ग्रुप और प्रेशर ग्रुप आके बोलेंगे अच्छा ठीक है आपके ये इंटरेस्ट है, चलो ठीक है हम जाके अपना रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है हमारे ये इंटरेस्ट है। फिर तीसरा होता है इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन। इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन का मतलब यार ठीक है हमारे इंटरेस्ट ये है, लेकिन यार अभी जो पॉलिटिकल पार्टी खड़े हो रखे हैं, जो हमारे उम्मीदवार खड़े हो रखे हैं, जिन्होंने हमारा प्रतिनिधित्व करना है, उनको तो नहीं पता ना कि आपको क्या डिमांड्स है, तो उन तक पहुंचाना पड़ेगा ना, तो अपनी डिमांड्स को उनकी डिमांड्स से आप मैच कराओगे, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी से। एंड देन क्या करोगे, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, राजनीतिक आपका संचार, यानी कि जो सरकार सेंटर में उन तक पहुंचाओगे, भाई हमें ये चाहिए, हम अभी कोविड में सबको प्रॉब्लम हो गई थी, सबने क्या बोला कि नहीं यार हमारे को कुछ करो, तो फिर आपके आया ना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, मास मीडिया के थ्रू कैसे भी आप पहुंचा सकते हो। देन क्या होता है, यहाँ पे एनालिसिस होती है कि कौन सी डिमांड आपकी सही है और कौन सी डिमांड सही नहीं है। अब जो डिमांड सही होती है, अब ये कितनी क्यों होती है, क्योंकि आपको पता है बहुत कॉम्पिटिशन है डिमांड्स का, सब लोग, इतनी डाइवर्सिटी है, सबके डिमांड्स अलग अलग हैं, और आपके पास लिमिटेड ही रिसोर्सेज हैं। तो उसके बाद क्या आता है, डिसीजन आपके आउटपुट आता है, ठीक है। अब आउटपुट कैसे आएगा, लॉ, कुछ कानून बनेंगे, कौन बनाएगा, लेजिस्लेचर, संसद, कुछ कानून लागू होंगे, कौन करेगा, कार्यपालिका, कुछ कानून जो आपके लागू नहीं हो रहे थे तो उसमें एडजुडिकेशन होगा, उसकी व्याख्या करेंगे, देखेंगे ढंग से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, कौन करेगा, जुडिशरी, न्यायपालिका। फिर क्या होता है, यहाँ से इन्वायरमेंट से आपका क्या आता है, फीडबैक, कि ठीक है हमारे काम सही से हो गए तो ठीक है हम नई डिमांड नहीं रखेंगे, हम सपोर्ट करेंगे, अगर नहीं हुए तो हम नई डिमांड रखेंगे, ठीक है। अब इसके सारे फंक्शन को एक बार देख लेते हैं, बट पहले एक बार लेवल्स ऑफ फंक्शंस देखते हैं। देखो फंक्शन सबसे पहले क्या होता है, कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब क्या है कि इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट होना, यानी कि जो तुमने डिमांड की है उसका मेरा कन्वर्ट होना डिसीजन में,
देन होता है कैपेबिलिटी, क्षमता। ये किसके बेसिस पे होगा कि क्षमता के हिसाब से, जितनी जितनी आपकी इंस्टीट्यूशन की क्षमता बढ़ती जाएगी उतना ही डिसीजंस जल्दी आगे कम्युनिकेट होते जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल पहले हमारे पास कम रिसोर्सेज होते थे इंडिया के पास, तो हम इतने डेवलप नहीं थे, सब लोगों तक हम रोजगार नहीं पहुंचा पाते थे, सबके पास खाने के लिए पैसा नहीं था या फिर मकान नहीं थे। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे सिस्टम की, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम की, सोसाइटी की क्षमता बढ़ गई है, वैसे वैसे हम क्या कर रहे हैं, लोगों तक विकास पहुंचा पा रहे हैं, उनको घर दे रहे हैं रहने के लिए, ठीक है, स्वच्छ स्वच्छता के लिए उनको जैसे वो टॉयलेट्स वगैरह बना के देना, यानी कि हर एक चीज़ हम उसको लोगों को दे रहे हैं, हेल्थ दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं। फिर क्या होता है, फिर होता है मेंटेनेंस एंड अडेप्टेशन, कि भाई जो चीज़ हमने अचीव कर ली कि अच्छा लोगों तक ये सुख सुविधाएं पहुँचाए हैं उनको मेंटेन करके रखना, और जो नहीं पहुँच पा रही है उसको क्या करो, अडॉप्ट करो, अनुकूलन करो, रख रखाव और अनुकूलन, ये दो चीज़ें। अब आता है आपका पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट, जो हमने इनपुट पढ़ा था ना, हमने इधर पढ़े थे इनपुट और आउटपुट, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं देन ख़त्म। ये एक वो प्रक्रिया होती है जिसमें जो मेंबर्स होते हैं उनको इन्फॉर्मेशन दी जाती है किसी भी चीज़ के बारे में, कि पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, उनकी वैल्यूज मूल्य क्या हैं, उनकी विचारधारा क्या है, सो दैट कम्युनिटी समझ सके कि उनके लिए क्या ठीक है और क्या नहीं। कैसे हो सकता है आपको स्कूल में, आपके घर में, आपके दोस्तों यारों से, पड़ोसियों से, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से, तो स्पायरो ने क्या बोला था कि एक पॉलिसी फ्लो का है, मतलब मैं एक प्रोसेस है, स्पायरो ने इसे नीति प्रवाह की प्रक्रिया बोला है, ठीक है। दूसरा डेविड एस्टन ने क्या बोला, डेविड एस्टन ने इनको व्याख्या की है कि कंसिस्टिंग ऑफ डिमांड एंड सपोर्ट फॉर एक्शन, यार मतलब इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट को क्या चाहिए, डिमांड चाहिए आप लोगों से कि आपकी क्या डिमांड है आप बताओ, हम जाके आगे बोलेंगे, और अगर आपकी डिमांड पूरी हो रही है तो सपोर्ट चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट के लिए। देन आपका दूसरा स्टेप क्या होता है, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, की हित का आपका रख रखाव कि किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। आपका क्या है, कोहेरेंट डिमांड्स आर प्लेस्ड, आपको पता है लिमिटेड रिसोर्सेज है तो आपकी कुछ ऐसी डिमांड आती है जो दूसरे की अलग अलग कम्युनिटी की डिमांड अपोजिट आएगी, एकदम विपरीत आएगी, अलग अलग स्ट्रक्चर है इस वजह से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हम ना प्रेस करते हैं कि हमारा पॉलिटिकल, हमारा राजनीतिक हित क्या है, हमारी डिमांड्स क्या है और हमें क्या एक्शन चाहते हैं, ये हम इस वाले स्टेज में, ये हम सेकंड स्टेज में बताते हैं। तीसरा क्या है, इंटरेस्ट एग्रीगेशन, इंटरेस्ट एग्रीगेशन का मतलब क्या है कि ठीक है तुम्हारी डिमांड ये है, अब क्या ये डिमांड पॉलिटिकल पार्टीज की विचारधारा से मिलती है, ये प्रोसेस है जिसमें जो डिमांड है इनको पॉलिसीज और डिसीजन में कन्वर्ट करने के लिए हम एक्शंस लेंगे। कैसे लोगे कि भाई आपके जो इंटरेस्ट हैं, इंटरेस्ट ग्रुप वगैरह, प्रेशर ग्रुप के, क्या वो पॉलिटिकल पार्टीज के भी सेम इंटरेस्ट या डिमांड है, क्योंकि अगर है तभी तो वो पूरे करेंगे ना आपकी डिमांड, तभी आपने उनको सपोर्ट देना है। एंड लास्ट स्टेज क्या है, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, राजनीतिक संचार, ये प्रोसेस है जिसमें जो कंपोनेंट्स हैं आपके पॉलिटिकल सिस्टम के वो इन्फॉर्मेशन या तो ट्रांसमिट करेंगे, लेंगे, रिसीव करेंगे, सो दैट पॉलिटिकल सिस्टम के पास पता चल सके कि उसकी जनता उनसे चाहती क्या है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन करना है, प्रतिनिधित्व कर रहा है तो पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, फिर एनालिसिस की, वो ब्लैक बॉक्स में आपको किसी को नहीं दिखेगा, वो अपने हिसाब से करेंगे। अब आउटपुट क्या होता है, आउटपुट होता है रूल बनाना, नियम बनाना, कौन करेगा, आपका लेजिस्लेचर, रूल अप्लाई करना, नियम का आवेदन करना, कौन करेगा, आपका कार्यपालिका, और फिर आपका रूल एडजुडिकेशन, निर्णय लेना नियम में, कौन करेगा, न्यायपालिका, ठीक है। तो ये फंक्शन होते हैं। अब ये सारी अप्रोच हमने पढ़ ली, हमने ये भी देख लिया कि सिस्टम अलग होते हैं, अलग अलग सिस्टम का अलग स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर मोनो, आपका मोनिज्म नहीं होता, ड्यूअलिज्म होता है, क्योंकि अलग अलग कल्चर है इसलिए डिमांड्स अलग है, इसलिए स्ट्रक्चर का फंक्शन भी अलग है, और सेम सिस्टम सारी डिमांड्स को कैटर नहीं करता। लेकिन इसमें फिर भी कुछ आलोचनाएं हैं, इसमें पहली आलोचना ये है कि माइक्रो लेवल एनालिसिस है, यानी कि हर एक, अब इस तरीके से तो हर एक छोटे 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 स्ट्रक्चर अलग अलग होंगे, आप पूरा इसको जनरलाइज कैसे कर पाओगे, और ये बेसिकली ये अभी भी इथनोसेंट्रिक की राय, अभी भी आपका पश्चिमी और उसका इन्फ्लुएंस प्रभाव बहुत ज़्यादा है। और इसमें बोल दिया कि अनड्यू इंपॉर्टेंस दी, कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दे रहे हो आप इनपुट फंक्शन पे, कि चार चार कैटेगरी है ना उसी पे ही ज़्यादा जोर लगाते हैं। व्हाट अबाउट आउटपुट, इनपुट तो लोग डिमांड करेंगे लेकिन जब तक आउटपुट नहीं आएगा तब तक क्या होगा, ठीक है। देन आपका है स्टेटस को इस्ट है, अगेन आपका क्या है कि यथास्थिति बनी हुई है, कुछ ज़्यादा चेंज हमें इसमें भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। सो ये था आज का लेक्चर, आपको क्या करना है, अब आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और प्लीज़ यार शेयर किया करो, ठीक है। इसके अलावा भी आपको मैं बता देती हूँ कि जो सारी प्लेलिस्ट है आपकी कंपेरेटिव पॉलिटिक्स ही अवेलेबल है, पॉलिटिकल थ्योरी की आपके पास है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं वो प्लेलिस्ट है आपके पास, इंटरनेशनल रिलेशन की है, प्लेटो, एरिस्टोटल एंड आपका कॉन्फ्यूशियस के पूरे पूरे लेक्चर्स हैं चैनल में,
500 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू की दो प्लेलिस्ट है, यानी कि 1000 एमसीक्यू हैं, वन लाइनर है जिसमें सारे यूनिट्स का रिवीजन हो रखा है बहुत ही क्विक, ठीक है। तो ये सारी जो प्लेलिस्ट है ये आप एक्सेस कर सकते हो, 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये सारी प्लेलिस्ट आपको बहुत हेल्प करेगी। और मई में आप बिल्कुल अच्छे से कर सकते हो। जून 1st से मैं अभी ही आपको बता देती हूँ, जून 1st से मैं फिर से 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू लेके आऊँगी, एंड तब हम दोबारा ये सब चीज़ें करने वाले हैं, ठीक है। तो उससे पहले आप मई में आपका क्या काम है, ये पूरे 1000 क्वेश्चंस आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। चलिए चलते हैं, कल मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।